दोस्तों, अयोध्या में एक अनोखी घटना ने सभी को चौंका दिया जब साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। इस चमत्कारिक दर्शन ने न केवल भक्तों का दिल जीत लिया बल्कि वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक कर दिया। क्या हुआ जब राम मंदिर में दिवाली के दौरान अचानक साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए? ये नजारा जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि दिवाली का त्योहार प्रभु श्री राम के पुनः अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो होते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। और जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है वहां पर दीपावली के दिन हनुमान जी का प्रकट होना कोई नामुमकिन बात नहीं है। लेकिन आखिर किस रूप में राम मंदिर की दिवाली में साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए, वो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। ये चमत्कार आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, साल 2024 की दीपावली 500 वर्ष बाद अपने घर पर अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की पहली दिवाली हुई है। इसके प्रति सभी लोग बहुत खुश थे। सरयू नदी के किनारे 25 लाख से भी ज्यादा दीपक प्रज्वलित किए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जहां पर प्रभु श्री राम की चर्चा होती है वहां पर जो सबसे पहले आता है और कार्यक्रम पूरा होने के बाद सबसे बाद में जाता है, वही हमारे साक्षात हनुमान जी होते हैं। विनोद सोनी नाम के एक व्यक्ति जो मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले थे, उनके पिता राम मंदिर आंदोलन में भागीदार भी थे। उनका पूरा परिवार अपने जीवन काल में राम मंदिर के लिए बहुत कुछ करता आया है। जब रामलला टेंट में विराजमान थे तब भी विनोद जी हर दीपावली को उनके दर्शन करने जरूर जाया करते थे, लेकिन अब तो 2024 में भव्य मंदिर बन चुका था। ऐसे में विनोद जी और उनका पूरा परिवार बहुत ही उत्साहित था और वो रामलला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस दिवाली उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। दीपावली की रात जब विनोद जी राम मंदिर दरबार में पहुंचे तो वहां पर भक्तों की भयंकर भीड़ थी। अयोध्या के साथ साथ पूरे भारतवर्ष से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था, इसीलिए विनोद जी अपने पूरे परिवार के साथ लाइन में लग गए। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस समय शाम के 7 बज रहे थे और संभावना थी कि दर्शन करने में तकरीबन 10 से 11 बज जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बस राम लला की एक झलक देखना चाहते थे। अब लगभग 3 घंटे बाद वो मंदिर के अंदर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। चारों ओर नजारा बहुत ही भव्य और सुंदर था, लेकिन जब वो मंदिर के बाहर पहुंचे तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। विनोद जी की पत्नी के गले में जो मंगलसूत्र था वो गायब हो चुका था। वो उनका पुश्तैनी मंगलसूत्र था और उसकी कीमत भी लाखों में थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भीड़ भरे माहौल में क्या मंगलसूत्र किसी ने चोरी कर लिया या फिर वो कहीं पर गिर गया? उन्होंने तुरंत पास के चौकी में मंगलसूत्र गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV फुटेज के माध्यम से खोजबीन शुरू की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी एक व्यक्ति पर शक करना या गुम हुए मंगलसूत्र को ढूंढना नामुमकिन लग रहा था। विनोद जी की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि मंगलसूत्र का गुम होना उन्हें अशुभ संकेत लग रहा था। अब उन्हें विनोद जी की भी चिंता हो रही थी। जैसे तैसे वो लोग खुद को संभाल कर सरयू नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर 25 लाख दीपक उस स्थान को प्रकाशमान कर रहे थे। विनोद जी और उनके परिवार की सारी खुशी जा चुकी थी, क्योंकि वो मंगलसूत्र उनके पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ था। कहते हैं प्रभु श्री राम के दरबार में आने वाला कभी भी खाली झोली लेकर वापस नहीं जाता, तो विनोद जी के जीवन में त्योहार वाले दिन इतना बड़ा दुख कैसे आ सकता था। जब वे लोग सरयू नदी के घाट पर उदासी में बैठे हुए थे तभी अचानक से उन्हें एक बंदर दिखाई दिया, जिसका आकार बाकी बंदरों की तुलना में काफी बड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसने अपने मुंह में कुछ दबा रखा था। उस बंदर का आकार थोड़ा बड़ा था, इसीलिए सरयू के किनारे लोग उससे डर भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो विनोद जी की ओर बढ़ने लगा।
जब सबने ध्यान से देखा तो पाया कि उस बंदर के मुंह में विनोद जी की पत्नी का वही मंगलसूत्र था जो राम दरबार में गुम हो गया था। लेकिन ये बंदर को आखिर कैसे और कहां से मिला, ये अभी तक सभी के लिए रहस्य था। अब चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि वो बंदर आगे बढ़कर विनोद जी की पत्नी का मंगलसूत्र सरयू नदी के घाट पर छोड़कर चला गया। ये चमत्कार देख वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सरयू नदी के किनारे अक्सर कई बंदरों को देखा जाता है, लेकिन रात के समय बंदर बहुत ही कम दिखाई देते हैं और ये बंदर कुछ अलग प्रतीत हो रहा था। जब विनोद जी मंगलसूत्र मिलने की खबर पुलिस चौकी में देने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने एक ऐसी बात पाई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज राम मंदिर में दिवाली के दिन एक विशाल बंदर अचानक कहीं से आ गया और मंडप से होता हुआ भक्तों की भीड़ में से गुजरता हुआ दक्षिण दिशा से फिर बाहर निकल गया। शायद ये बंदर आपकी पत्नी का खोया हुआ मंगलसूत्र वहीं से लेकर आया है और चमत्कारिक रूप से आपको ढूंढकर उसने मंगलसूत्र आपको दे दिया। जरूर वो साक्षात हनुमान जी का ही कोई रूप है, क्योंकि आप दिवाली के दिन रामलला के दर्शन करने आए थे तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी आपको निराश कैसे लौटा सकते थे। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में घटा ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था। इसके बारे में जानकर काफी लोग हैरान हैं और ये घटना कई न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर भी दिखाई जा रही है। अब इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।